नमस्कार, जय जगन्नाथ। गीतगोविंद रचनाकालर अलौकिक कहानी विषय रे हमें पूर्व वीडियो रे सुनी थिले। भक्तकवि जयदेवंकर रचित गीतगोविंद अधारे रही जाइतिबा समय रे प्रभु परमेश्वर श्री जगन्नाथ केमिति आसी ताहा पूरण करथिले से विषय रे हमें पूर्व विषय रे सुनी थिले। तेणु ए गीतगोविंद को नै अनेक वीडियो मध्ये बनेई हेई परिवो। आउ गोटे कहानी से गीतगोविंद विषय रे आज मुझे कह एक घटनाटीपरी सेतबेले उत्कलर गजपति ठाकुर राजा था श्री पुरुषोत्तम देव तांकर नाम प्रसिद्ध थिला। लोकंकर विश्वास थाए जे से जगन्नाथंकर चलंती प्रतिमा। गजपतिंकर कांची अभियान रे स्वयं प्रभु जगन्नाथ और बड़ ठाकुर बलभद्र युद्ध करी तांकु जिताई थिले। गजपति पुरुषोत्तम देव थिले जणे कवि। संस्कृत भाषा तांकर अगाध पांडित्य थिला। से लेखिथिले अभिनव गीतगोविंद। कही कही कहती गीतगोविंद अनुकरण रे कविचंद्र राय दिवाकर मिश्र अभिनव गीतगोविंद करी गजपति नाम रे भुणित करिछंती। से जहा हेउ दिने गजपति पाखे तीन जन पंडित अभियोग आणिले कथा कौन श्री जगन्नाथ हेउछंती जगतर नाथ। तांको आगरे भक्ति संगीत गान करिबा विधेय फळरे भक्त मानंक ठारे भक्तिभाव वृद्धि पाइबो। ताहा नकरी श्री गीतगोविंद परी प्रेम संगीत गान करिबा फळरे लोके कौन शिक्षा करिवे। ए प्रकार गीत परमेश्वर आगे बोला जुक्तिसंगत नुहे बोली से माने दाबी कले। तापरे दिने अचानक भावे गजपति निजे श्रीमंदिर जाई गीतगोविंद बोला शुणिले। पूजक मानू कड़ा निर्देश देले एणिकि श्रीमंदिर गीतगोविंद बोलाजिबो नाही। से ही दिन गीतगोविंद बोला श्रीमंदिर बंद हो गला। हेले गाँ गहली भागवत टुंगी में गीतगोविंद बोला चली थाए। लोक मैंने केउटि एहार अर्थ बुझंती तो केउटि बुझी पारंती नहीं मात्र कान को भल शुभु थाए। एणु लोक मैंने गीतगोविंद शुणु थांती। जयदेव को लोक मैंने बहुत भल पाती। नीति संध्या बेले गाँ लोक मैंने भागवत टुंगी में एकत्रित हुंती। प्रथमे हरिबोल पकाई भागवत अध्याय बोला जाए तापरे गीतगोविंद बोला जाए। श्रीमंदिर समस्त प्रकार नीति शेषे बड़ देउल मुद दि जाए। भोर समस्त उपस्थित मुद खोल जाए तापरे पूजा नीति चले। दिनकर कथा गजपति हठात बड़देउल को विजे कले। सी देखिले जयदेव गीतगोविंद बोलुछंती स्त्री पद्मावती नाचुछंती। से माने गजपति आदेश को अमान्य करिछंती। घटना गजपति को बहुत बाधिला। अबाध्य जयदेव को राजदरबार को तलाब हला। उपस्थित मंत्री सेनापति पंडित और सभा सदस्य सामने प्रश्न पचरा गला राजा आदेश प्रति ए प्रकार अवमानना काहीकि। जयदेव कहिले गीतगोविंद गान सहित तो देवदास नृत्य को भगवान परमेश्वर श्री जगन्नाथ बहुत भल पाती। कारण प्रभु को गीतगोविंद शुणाऊली। गजपति प्रश्न कले प्रभु जगन्नाथ तुम गीतगोविंद को भल पाती तुम्हें किपर जान यार प्रमाण कौन तुम देपर। जयदेव यार प्रमाण देवा राजी हेले। से लेखा श्री गीतगोविंद और गजपति लिखित तो अभिनव गीतगोविंद पोथी दुईट ठाकुर रत्न सिंहासन उपर रखा जाई देउलर मुद दिगला। से दिन समस्ते घर को गले। पर सका समस्त उपस्थित देउलर मुद खोला देखागला अभिनव गीतगोविंद रत्न सिंहासन उपर रही गीतगोविंद रही महाप्रभु श्री जगन्नाथ बाम कांध उपरे। समस्त आश्चर्य सीमा रहिला नहीं। जयदेव को समस्ते बाहा बाहा कले। गजपति निज आखिरे देखि लज्जित अनुभव कले एवं से जानिले जे जगन्नाथ तांकर रचित अभिनव गीतगोविंद को अस्वीकार करिछंती। तेणु निज लेखा अभिनव गीतगोविंद को समुद्र में उभेई देबा पोथी धरी समुद्र कूल को चली चली गले। जयदेव एक जानी बहुत दुखित तो हेले। गजपति स्वयं होउछंती प्रभु श्री जगन्नाथ चलंती प्रतिनिधि। तांकर कष्टलब्ध एही काव्य को समुद्र में उभेई देबा बड़ दुखदायक घटना। यह अनुभव करी जयदेव समुद्र कूल को निज धाई धाई गले एवं ठाकुर राजा को गुहारी कले एथिरु विरत रहिबा। यापर जयदेव अभिनव गीतगोविंद रु बार गोटी श्लोक बाछी गीतगोविंद स्थान देवाई प्रतिश्रुति देले एवं कहिले जे आपण एही पोथी को समुद्र में भसाई दिंतु ना। गजपति पुरुषोत्तम देव जयदेव प्रस्ताव में सम्मति प्रकाश कले। संतुष्ट हेले। श्री जगन्नाथ सेवा पूजार अधिकार देले। सेवा को गीतगोविंद सेवा बा पुराणिक सेवा कहा जाए।
वर्तमान मध्य सेवा सका धूपबेले चली अवश्य यही सेवा को सेवायत मैंने तुलाऊ विश्वास अच्छे जगन्नाथ अति आदर जनाण गीत गोविंद को छिड़ा हो गान कले प्रभु श्री जगन्नाथ यह बसिक शुणती बसिक गान कले अनुरूप भाव प्रभु छिड़ा हो शुणती सतरे महाप्रभु के स्वाभिमानी और भक्तवत्सल भक्तर स्वाभिमान रक्षा करने को जा से भक्तपाई कौन भी करपारती भक्त सालबेग गई एका तो भकत जीवन भकत निमंते तोर शंखचक्रे चिन्ह शेषे मन पड़े जुग पुरुषोत्तम जीवननाथ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र शाश्वत बाणी भक्त हृदय वृंदावन भगवान निवास जाण भजन रागर अनुरागे अंतरे ताकू डाकी आण सांग माने आज भिडियोटी आपण मानक लगला कमेंट द्वारा निश्चय जनइबे भल लगी लाइक करेंगे सांग मानक सेयार करेंगे आ मो चैनल को जदि सब्सक्राइब करना एवं ही सब्सक्राइब करूँ आजपाई रही जय जगन्नाथ।